देखिए साहब, 10 जुलाई पानी बरस रहा है, बूंदाबांदी भीग रहे हैं, ये भीगते हुए सारे बंदर यहाँ बैठे हैं। आज इत्तेफाक से मिल गए, आगे नहीं जाना पड़ा। इसी भीगते में हमको खिलाएंगे, घंटे दो घंटे हमको कम से कम डेढ़ दो घंटे यहाँ लगेंगे, फिर फल वाले से फल इकट्ठा करेंगे। देख रहे हैं बूंदाबांदी सब चल रही लगातार 24 घंटे का दे रहे हैं। अब उसके बाद घर पहुंचेंगे तो वहाँ पेड़ पौधों का काम, उसमें फिर भीगना होगा कम से कम 3-4 घंटे। तीन चार घंटे नित्य भीगने का काम बारिश भर चलेगा। अब इनको जो है भोजन देने के लिए हम जा रहे हैं, तो कहाँ से सवारी आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों को पहुँचाने गए होंगे। अच्छा अच्छा, दे रहे हैं, आओ भैया आओ। देखो ना, इनका कोई रहने की जगह न, ठीक हुआ भीगने भीग रहे हैं सब। अब वो कुत्ते की वजह से घबराते हैं आने में। देखो हाँ, थोड़ा बना दीजिए, एक मिनट खड़े खड़े। तो बस ऐसे देखिएगा, इधर कैमरा है। अरे मालूम है हमारे पास जी। चलो ये रोज का हमारा वही है, बारिश हर भीगना, घंटे दो घंटे भीगना। और जो कैमरा लेके बना रहे श्री नाम मूर्ति वाले, ये हमारे ख्याल से बचपन से तो आप हमको देखे रहे होंगे। हाँ हाँ, हम आपको बचपन से देख बचपन से देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आप। तो सवाल ये होता है कि जो कुछ अजूबा कर रहा हो व्यवस्था, जो कि निकाल तो मन पसंद देख रहे हैं, दो दो निकाल रहे हैं, दे रहे हैं दे रहे हैं। देखिए छोटे जो है कि निडर हो गए हैं, यहाँ पर देखिए छोटे अच्छे निडर हो गए हैं, उनको मालूम है। यहाँ अड्डा न बनाओ, लेकिन आओ आगे पढ़ो, पैर फैला के बैठ गई तुम्हारे डर से कोई आएगा यहाँ? ये लो खाओ, ये खाओ, आओ जाओ आओ जाओ, इनको नहीं। ये हमारे यहाँ के रायबरेली के श्याम साधु जी हैं, और हमने तो इनको बचपन से देखा है बंदरों की सेवा करते हुए। इनका प्रतिदिन नियम है नहा धो करके भगवान की पूजा बाद में, बंदरों की पूजा पहले, जानवरों की पूजा पहले करते हैं। इनकी पूजा इस तरीके से होती है कि इनका पेट भरना इनका नियम है, बाकी जानवरों को कौन पूछ रहा है आजकल इसी युग में। ये हमारे यहाँ के श्याम साधु जी हैं, पशु सेवी हैं और पशुओं की बहुत सेवा करते हैं ये। और देखा जाए तो जो कैमरा लेके हमारे श्री राम मूर्ति वाले बोल रहे हैं,
इन्होंने एक लाइब्रेरी में अलग जगाया धर्म धर्म के प्रति। पैसा नहीं, ध्यान दिया कि पैसा ही कमाएंगे। इन्होंने बड़ी समाज की सेवा किया और देखते देखते हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि जो चीज आप बड़े आगरा और राजस्थान और जहाँ जहाँ जाते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखते देखते इन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, सारी व्यवस्था बनाई और बहुत बच्चा का कारोबार कर रहा है, बाहर को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला करके देखिए नियत पर सारी बातें होती हैं। उनके श्री राम जो हैं ये मुक्ति वाले, इसका मतलब ये केवल कि हम समाज के लिए कुछ करें और जब समाज के लिए करेंगे तो फेमस होगा। जब सरदार को भी ये हो गया। दूसरा आइटम की तरफ दिखाइए, गाड़ी की तरफ। ये अभी कुर्ता अभी कुर्ता हमारा सूखा नहीं ठीक से, कल शाम को पीला तो बढ़िया हमारे अंदर सीखा बच्ची थोड़ा चने पाने जान आपने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन रौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या रहु कलेश विकार। ये हमारे श्याम साधु जी, देखिए रोटी चना आम केला सब लेके आए हैं, बंदरों खिला रहे हैं। ये देखिए एक बंदर इसमें लूला है जो श्याम साधु जी इनको खिला रहे हैं। इसका देखिए एक ही हाथ है इस बंदर का, छोटों के लाऊ है, छोटे देखिए आ गए तुम लोग खाते हो जाने हो छोटों को खाने तो बुढ़िया ले खाओ जला के खा लेंगे भी हैं सुबह से। ये देखे ऊपर देखाइए बैठा बैठा खा रहे हैं ले। इसी की वजह से हम थोड़ा इसके आगे रख देते हैं। इसका नाम है हटकटी, हटकटी बंदरिया है ये। और एक जगह मूल भारती जाएंगे वहाँ बहुत थोड़े सा बंदर रह गए, उनको देंगे जाके जब उनको अपना पूरी आजादी मिल गई। अब ये सेवा जो है, देखिए हर आदमी के एक अपना अपना रोल है। हम लोग जो बंदर को जाने, रामचरित मानस से जाने, हनुमान जी की मूरत को देखा तो इनको मैंने जाना। तो हर आदमी का जो है एक है। देखा जाए तो आप अपने दुकान के पास में जो मंदिर है इतना फेमस, उसको उसका उत्थान करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले पहलवान वीर बाबा, पहलवान वीर बाबा बहुत कुछ आप लोगों ने किया। आज भी उधर के दिया हुआ प्रतीक चिन्ह हमारे यहाँ रखा हुआ है, उससे महंगा प्रतीक चिन्ह अभी तक हमको नहीं मिला। नहीं, हमारी कमेटी जो है, हमारी कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं, वो अपना सा नीलता जो भी समाज सेवी है उनको जो है वो समाज को बताते हैं कि समाज के ये लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ उद्योगपतियों को प्रतीक चिन्ह नहीं दिया जाता। बहुत सही बात आपने कहा, तभी आप लोग आगे बढ़ गए, बहुत बढ़े। हमारे गांव से पहलवान वीर बाबा मंदिर का जो रायबरेली जिस जनपद में नाम है, क्योंकि आप लोगों ने काम किया हो, कर रहे हैं काम किया है आप लोगों ने, उसको हथकड़ी को भगा दिया, वो खा चुकी है, अभी बहुत खा लिया है।
अरे तुमका कुछ नहीं मिला का हो, वहाँ तो जाना पड़ेगा। अब हमारे ख्याल से आपने काफी कुछ देखा। हाँ हाँ देखा, बढ़िया हुआ, ठीक है। रायबरेली के लोग भी जानते हैं आपको, ऐसा नहीं है क्या? पशु सेवी है। अब ये समझिए कि यही है। ये देखिए बाबा जी की स्कूटी में बैठ करके बढ़िया से अपना भोजन पानी कर रहा है भैया। ये बाबा जी की स्कूटी है, ये बाबा जी का नंबर है स्कूटी का, और ये सब बजरंग सेना है। सब देखिए बाबा जी खिला रहे हैं और ये सब लोग खा रहे हैं आराम से। देखिए ये पिटेड पिटेड ये चल रहा है, बड़ा जरूरी था। कितनी गर्मी पड़ गई अबकी बार, बाप रे बाप। अब ये पिटेड पिटेड या कि कम से कम ठंडक तो